थोड़ी ध्यान में गाड़ी चला लो, अभी भरा जाते मेरे में। तो, यहाँ पे राजा सबकी वो सुनते थे, आम लोगों की प्रॉब्लम्स। तो ये देखो, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ गाइस। तो ये जो है ना, ये पत्ता भाई, ये देखो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता एकदम, और अंधेरे। तो गाइस फिलहाल आ चुके हम लोग ओरछापुर, और ओरछापुर में घूमने के लिए हमने टिकट ले लिया जो कि 50 रुपए का, फॉरनर के लिए 750 का है। पता है नहीं उनको कैसे पता चलेगा, फॉरेन से हुए, इंडिया से शायद सकल से, और छोड़ो। तो अभी ये ओरछा हेरिटेज वॉक लिखा हुआ है, 27 प्लेसेस इस पूरे महल पे घूमने की, जिसमें मेरे को सिर्फ शीशा वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओपन थिएटर भी बढ़िया है, देख के आते क्या क्या है। तो अभी हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 होते हुए जाएंगे और आपको पूरा पूरा दिखाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। चलो रोन। तो भाई अभी हम लोग आ रहे हैं अंदर, और यहाँ देखो एक गेट पड़ा हुआ है जो कि आई थिंक से टूट गया था बहुत पहले, तो उस पर ये बहुत शार्प शार्प ये लगे हुए हैं, जिससे दुश्मन आप पे हमला करे तो, जैसे पहले क्या होता था, लोग गेट तोड़ते थे सीधा आके कुछ का ना कुछ मार के, तो ये टूटे ना, इसलिए ये सब कर किया था कि इस पर इतने स्पाइक्स जैसे लगा दी थी कि वो आके इसमें ऐसे धक्का दे तो उसमें घुस जाए। क्या बोल रहा है? यहाँ औरतों के लिए था ये, यहाँ पे औरतें बैठती थी यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे राजा सबकी वो सुनते थे, आम लोगों की प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, ये औरतें बैठती थी यहाँ पे। तो कीर कहाँ है? कीर कहाँ है? कीर गाड़ी सजा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। तो हमारे विदित ने ऑडियो बुक खरीद लिए, तो वो हमको पूरा ज्ञान देगा, मतलब वो आज ज्ञान, हाँ वही, आप जो आपने बिल्कुल सही समझा, वो आज ज्ञान होगा। ठीक है, तो अभी बताते यहाँ सबकी, ये कॉमन पीपल के लिए था, हाँ ये मिनिस्टर्स या उनके जो काम करते थे उनके लिए, मतलब वो, हाँ वो रॉयल फैमिली। चलो मेरी प्रजा नीचे खड़े हो जाओ, ये मेरी प्रजा है। हम विद्रोह कर रहे हैं, हम विद्रोह कर रहे हैं, बीच में ना बोल। मेरी प्रजा, ये मेरी प्रजा है, नीचे हो ना थानेदार, ओ मेरा बालम थानेदार चला भेज। ये देखो, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ गाइस। तो ये जो है ना, ये पत्ता, इसको ऐसे अपन तोड़ेगा, इसमें से निकलेगी ये बीज जैसा कुछ। ठीक है, ये बीज खा गए, अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी, अभी बटोर के ले जाऊंगा घर पे, खूब खाऊंगा। तो भाई हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी है ऊपर देखो पूरे पे, और ये भी है, और ये पेंटिंग्स ब्रिटिश एम्पायर के बाद बनी थी, और ये पेंटिंग्स ब्रिटिश एम्पायर के बाद बनी थी, और यहाँ राजा बैठते थे, और यहाँ उसकी पूरी प्रजा बैठती थी या जनता बैठती थी, और फिर यहाँ पे भी लोग आते थे यहाँ पे, पर लड़कियों का बैठना अलाउड नहीं था, मतलब औरतें यहाँ नहीं आ सकती थी, अगर उनको बैठ के सुनना है तो यहाँ ऊपर जालियाँ लगी हैं उस पर बैठ के सुनती थी वो। तो ये सीन है यहाँ का, और अभी आपको आगे का बताते हैं। भाई ये देखो, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता एकदम, और अंधेरा है पूरा पूरा, लाइक हमें, मेरे को लगा ही नहीं था अभी इसके नीचे कुछ होगा। ये संडास है, ये संडास है ना भाई, ये है संडास, हम खड़े हैं संडास। सो गाइस ये है रानी का रूम जहाँ वो बैठा करती थी, और यहाँ पूरे पर्दे लगे करते थे, जहाँ कुंदे लगे हुए हैं उस पर पर्दे टंगते थे, और यही वो खिड़की है जहाँ से आप सीधे के देखोगे तो राम जी का मंदिर दिखेगा आपको। ये देखो, देखा, तो यही है कुछ, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्री में, बिल्कुल सीधा ही सामने ही है, देख सकते हो आप। चलो और भी इंटरेस्टिंग अगर चीज़ें रही आगे तो बिल्कुल बताऊंगा, नहीं तो जो नॉर्मल चीज़ें जैसे बाकी वो नहीं दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अभी चल। हाँ तो भाई ये जहांगीर महल है, हम लोग जहांगीर महल पे आ चुके हैं, और ये पूरा जहांगीर महल है, और यहाँ पता नहीं क्या था, पर ये मेरे को लग रहा है कैद के लिए थे। हाँ थोड़ा अलग लग रहा है ये। हाँ अलग ही पत्थर यूज होते थे, ये मुगल्स ने बनवाया है और वो इंडियन ने बनवाया था जो अपना राजा महल था। तो और भी दिखाते हैं आपको, अभी हम जहांगीर महल में, और जहांगीर महल से हमें यहाँ नीचे चक्की रखी हुई है, और अगर बोलते हैं ना जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का वो चक्की जो भी है पीसना पड़ेगा, तो वो ये पीसते थे यहाँ के लोग। ठीक है, और बाकी पीछे रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, और भाई यहाँ का सीन देखो कितना ज़्यादा प्यारा है। तो मैं आपको ऐसे थोड़े थोड़े से बताते जा रहा हूँ, जिससे आपको भी नॉलेज आते हैं और मेरे को भी नॉलेज आते जाए। तो लेट्स गो। हम लोग छोड़ चुके हैं ओरछा, ओरछा से बाहर निकल रहे हैं और कहीं कुछ खाने जा रहे हैं, तो चलो
चलते हैं कुछ खाने, देखते हैं। बहुत मज़ा आया और आपने ब्लॉग में देख लिया होगा कैसा क्या सीन हो रहा है, तो सही है। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी आर्क बनी हुई। क्या कर रहा है भाई, थोड़ी ध्यान में गाड़ी चला लो, अभी भरा जाते मेरे में। एकदम से इस साइड को ले रहे हो हैं, एकदम ही मोड़ रहे हो यार। चलो भाई चलते हैं भाई, उसने एकदम से इस साइड डाल दी थी यार, लाइक मैं भरा जाता फिर मेरा दिमाग चटक गया था एकदम। वो अपने उसमें लगे भाई, जो करना है साइड लगा के करो, तुम्हें फोन का कुछ भी करना साइड लगा के करो। ये यहाँ पे कीड़े मीड़े आ गए, दिमाग ख़राब हो गया था, पर फिर उस टनल ने मेरा दिमाग सही कर दिया। अभी जा रहे कुछ खाने फिलहाल, क्योंकि लगी है भूख, तो चलो चलते हैं। वाह वाह, ये पहले कर लो लेन देन यहाँ, वहाँ से ये उनको खीरा दे रही हूँ, उनसे खीरा ले रही। सही है भाई। सो गाइस फाइनली हम लोग ने खाना खा लिया था यादव ढाबे पे, जहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर महंगा थोड़ा था क्योंकि ओरछा बगल में है और टूरिस्ट प्लेस है, तो ऑलरेडी खाना महंगा होगा। बट अब हम लोग निकल रहे हैं टहरका की ओर, जो कि मेरा होम टाउन है एक तरह से बोल सकते हो, मतलब होम विलेज, टाउन नहीं, अब जो भी बोल लो। तो वहीं जा रहे हैं अभी हम, और थक गए हैं थोड़ा, तो वहाँ पर जाकर रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ पर थोड़ा सोएंगे एंड ऑल, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो बिल्कुल आपको पूरी अपडेट देंगे ब्लॉग में, जब तक लिए ब्लॉग में बने रहें।